ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर यूपी के एटा से है, जहां सीएम योगी की पहल के बाद कोटा में फंसे हुए जनपद एटा के छात्रों का आखिरी जत्था बस द्वारा आज एटा पहुंचा। एटा आते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। आज कोटा से एटा आए 13 छात्र छात्राओं की मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब तक जनपद एटा में कोटा से कुल 53 छात्र छात्राएं अपने घर वापस आए हैं। बस स्टैंड पर तैनात नोडल अधिकारी मनोज गिरी की माने तो सभी बच्चों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है और आने वाले बच्चों और उनके परिवारजनों को हिदायत दे दी गई है कि 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे। अगर बीच में कभी कोई टेम्परेचर बढ़ता है या खांसी आती है तो तुरंत हमसे संपर्क करेंगे। बताया जा रहा है कि कोटा राजस्थान में अभी भी 25,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। यूपी के सारे बच्चे आ चुके हैं। आज से एमपी के छात्र छात्राओं को रवाना किया जाएगा। वहीं मीडिया के सवालों पर छात्र छात्राओं ने अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने कहा कि बस लग रहा था कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और परिवारजन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर लग रहा था कि पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी और उनकी ही तर्ज पर अन्य प्रांत के सीएम भी अब प्रयास कर रहे हैं और वहाँ कोरोना फैल भी ज़्यादा रहा है। कोटा में खाने पीने का तो सही इंतज़ाम था। एटा नोडल अधिकारी ने बताया कि सभी निर्देश दे दिए गए हैं कि 14 दिन तक कमरे में ही अकेले रहेंगे और वहीं पर खाना खाएंगे। अगर इस बीच कोई परेशानी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है या खांसी होती है, थकान होती है, तो इस तरह का कोई लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत जिला प्रशासन में नंबर दिया गया है, उस पर तुरंत कॉन्टैक्ट करके स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें, तत्काल टीम पहुंचेगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। नॉर्मल थे पर यूपी गवर्नमेंट ने कहा आने के लिए और फिर बच्चे भी बहुत पैनिक हो रहे थे आने के लिए, तो फिर आना पड़ा। वहाँ स्थिति क्या है खाने पीने की, या वहाँ कितने बच्चे और फंसे पड़े हैं? नॉर्मल चल रही है, अभी 25,000 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर। यूपी के आ चुके हैं सारे, आज एमपी के निकलेंगे।